हाय, कैसे सब लोग? कुशल मंगल। इस लॉकडाउन के दौरान कुशल मंगल रहना ही आप सभी के लिए ज़रूरी है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही इजी और आपके दृष्टिकोण से देखते कैसे करते थे। ये कह रहा है, ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है, पर वृत्त पर बिंदु A और C से बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को P पर काटती हैं। यदि APC इक्वल टू 62 डिग्री तो AOC की माप क्या होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, जैसे कि एक वृत्त है, ठीक है, अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये रही, दूसरी ये रही, इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, यहाँ एक बिंदु मान लेता हूँ जो कि मैंने इससे टच कर दिया, इस बिंदु को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बिंदु मैं O मान लेता हूँ, केंद्र जिसे कहते हैं, ये हो गया। अब मैं नाम दे देता हूँ, ये मान लिया A, ये B, ये C, ये D, P और O। जब ये 62 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 118। यही आंसर है। पूछो क्यों भाई? हमें मालूम स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा कैसी होती है, लंब होती है, तो ये वाला 90 डिग्री हो गया, सो भी ये भी 90 डिग्री हो गया। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना, 360, 90 90, 180, 180 ये हो गया, ये तो 62 है, तो बचा कुछ है, ये 118 ही तो होगा। समझ में आया? आगे चलो। ये कह रहा है, ABCD एक समलंब के आकार का क्षेत्र है, AB इज पैरेलल टू DC और ABC इज 90 डिग्री, कोण DAB इक्वल टू 60 डिग्री, तो चार त्रिज्यखंड जिनके केंद्र ABCD द्वारा बनाए गए हैं। अच्छा, प्रत्येक त्रिज्या कितनी है, 17.5 मीटर की। तो बचे हुए शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि AB बराबर 75 डिग्री, 75 सेंटीमीटर और CD बराबर 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अच्छा है, देखो कैसे करेंगे। पहले तो मैं इसको बना देता हूँ, ये हो गया एक, यहाँ पे इसको 90 डिग्री का कोण दे देता हूँ मैं, चलो इसको यहाँ पे दे दिया और इसको यहाँ दे दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, व्रत कह रहा है, यहाँ पे मैंने एक व्रत रख दिया इसका, ठीक है, एक व्रत ये रहा और एक व्रत ये रहा, ये सभी व्रत बराबर चल जाएंगे, ठीक है, और एक व्रत ये रहा, ये सारे व्रत जो है बराबर बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बराबर करना चाहो तो कर लो, लो ठीक है, अब ये बराबर हो गए, ऐसे ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर लो, लो थोड़ा सा बड़ा, ये हो गया। बराबर बराबर व्रत हो गए। अच्छा, नाम दे दो मुझे मालूम। देखो, AB बराबर 75, तो मैं इसको तो AB मानूंगा, इसे AB इसे मान ले। अब क्या कह, DC बोल रहा है तो C इसे मान लेता हूँ और D इसे मान लेता हूँ। अच्छा, इस वाली त्रिज्या की कितनी है, 17.5 है, ये पूरा कितना, 50, 85 तो है, और AB कितनी है, 75। अच्छा, ये भी, अच्छा ये पूरा कोण दे दिया ये वाला, इसे नाम दे देता हूँ मैं कोण को, ये वाला कोण कितने का दे दिया, ये वाला, ये दे दिया 120 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90, क्यों 90, क्योंकि इसको भी 90 होना है, इसका खुद का दिया 60 है, तो देखो 90 90, 180, 180 240, हमें बना 360, तो 120 कम पड़ेंगे, ये हो गया 120, ठीक है। अब हमें पहले इस पूरे का क्षेत्रफल, ये ट्रेपेजियम है ना, समलंब, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए समांतर भुजा का सम चाहिए और इसकी क्या हाइट चाहिए, हाइट तो पता नहीं है, तो हाइट निकालने के लिए मैं एक काम कर देता हूँ कि एक लंब खींच लेता हूँ, ठीक है,
मैंने ये क्या कर लिया, यहाँ पे ये अपनी तरफ से एक लंब खींच लिया, इस पे 90 डिग्री का ये, ठीक है। जब मैंने ये लंब खींच लिया, ये 90 का आई। अब इसको तो मैं मान लेता हूँ एच, ठीक है। देखो ये 50 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 50 होगी पूरी, और ये कितनी हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी। तो मुझे मालूम चल गया टेन 60 इक्वल टू एच अपॉन 25, मतलब एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई आपकी 25√3, ठीक है। अब ए बी सी डी का एरिया, जो ट्रेपेजियम है ना, उसका एरिया क्या होगा, 1/2 हाइट इंटू 50 + 75, ठीक है। 125 और 25, और अच्छा इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू रखते हैं हम 1.7732, बस इतने रख दो, 732 यहीं तक रहने दो, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से 125 तो ये हो गया सीधा सीधा, ठीक है। 25 ये रहा गुणा, और इस पूरे का हाफ बराबर, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, देखो 25 25, 625 तो ये हो गया सीधे सीधे, ठीक है। 25 25, 625, और 25 का गुणा इसमें दूंगा तो ये क्या हो गया, 2 0 और 25, ये हो जाएगा। टोटल जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 31 25, ठीक है। 31 25, और इसमें 2 का डिवाइड दे दूँ, ठीक है। जब मतलब ये तो 31 25 हो गया, 31 25 और √3/2, अब इसमें डिवाइड देंगे तो लमसम मेरे हिसाब से आना चाहिए तुम्हारा 2725, इतना ही आना चाहिए, कितना 2725 सर, मतलब 2706 या 2706.25, इतना मीटर आना चाहिए इसका एरिया। अच्छा ये तो इसका इतना आ गया, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे निकालना किसका है बताओ, मुझे निकालना है अब जो ये त्रिज्य खंड बन रहे हैं ना इनका, तो क्या करूँगा मैं, 4 त्रिज्य खंड का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है, 22/7, आर स्क्वायर मतलब 35/2, क्योंकि इसको नीचे बढ़ाऊँगा तो 5 से काट दूँगा, ठीक है, और ये भी 35/2 अपॉन, देखो कितने कोण है, 1 2 3, मतलब जितने त्रिज्य खंड होते हैं, जैसे कि ये 20 है और इसे जोड़ो, मतलब 1 2 3 4, तो देखो 90 90 100 140 और 360, 360/360 ये लिखना पड़ेगा। अब ये आ गया तुम्हारा 962.5 मीटर, इसको लगभग इतना ही आना चाहिए। अब मुझे शेष का एरिया निकालना है, तो शेष का जो एरिया होगा बचे हुए का, तो इसमें से इसे घटा दूंगा तो कितना आ रहा है, यहाँ से घटा 900, मोटा मोटा अंदाजा लगा लेते हैं कि 900, वो 2700 में से 900 गया, 1700 कुछ आना चाहिए ऑप्शन में है, 1700 कुछ, तो यही ऑप्शन में आंसर है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्या है 1700, अब गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, मोटे मोटे दिख गया हमें इतना ही आना है, तो मोटे मोटे अंदाजे से डायरेक्ट लगा दो, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर 5 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर के दो वृत्त ए बी, ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है,
वेनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। अच्छा ये देखो, ये व्रत है एक पहला, ये व्रत नहीं है, व्रत ये रहा, ठीक है। और दूसरा व्रत मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये रहा, दो व्रत हैं, दोनों की लंबाई केंद्रों के बीच की दूरी 10 है। अच्छा इसकी त्रिज्या को मैंने यहाँ मिला दिया और इसकी त्रिज्या को इससे मिला दिया, ठीक है। इन दोनों की त्रिज्या अलग अलग है वैसे तो। अच्छा मैं इस पर परपेंडिकुलर खींच दूँ, तो देखो ये यहाँ से मैंने ये खींची, और ध्यान रखना इस कंडीशन में ये इस पर लंब होगी, ठीक है। अब ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये पूरा 10 हो गया, ठीक है। और ये ओ मान लो, इसे ओ डैश मान लो, ये मेरे 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज ये है ना, त्रिभुज ए ओ डैश का एरिया क्या होता है? एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस तो पता है क्या, इन सभी भुजाओं के सम का आधा, तो कितना हो जाएगा? देखो 12 12 10 22 22 का आधा 11, तो एस बराबर कितना निकल गया हमारा? 11, ठीक है। अच्छा 1/2 बेस कितना है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक 10। हाइट कितनी है इससे मान लो एच, तो ये होगी एच इक्वल टू, देखो 11 तो ऐसे है ही है, 11 में ए गई पहली भुजा कौन सी, 5, तो कितनी हो जाएगी 6। और 11 में से कितना 7 गया, तो कितना बचेगा 4, और 11 में से 10 गया तो कितना बचेगा 1 सॉरी 5 बार, तो h बराबर ये कितना हो गया, यहाँ से निकल रहा है 2 सॉरी थोड़ी सी खराश सी हो गई है, 2 बार निकल रहा है यहाँ से। तो 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो जब 2 को बाहर निकालूंगा 2√66/5, क्योंकि तो इसका भी तो डिवाइड दूंगा, तो ऐसा कोई आंसर तो है क्या? ऐसा तो कोई आंसर है नहीं है, आना तो सही है, ऐसा कोई आंसर। एक बार और देख लेता हूँ, ये 11 हो गया, अच्छा 11 में से 5 गए तो 6, 11 में से 7 गए तो 6, ये हो गया, यहाँ से 11 6 66, ये बाहर आ गया, तो 66/5, तो 2 बार आ गया ये 5। अच्छा आंसर तो नहीं है तो बना लो ना, इसे 2 रख लो, ये आंसर आ गया, ठीक है। एच ऐसे ही निकालना आप, ठीक। ए बी सी डी, त्रिभुज ए बी सी डी में ई ए सी की ओर एक बिंदु जैसे सी ई रेशियो ए सी इक्वल टू 1:3, तो डी बी सी का मध्य बिंदु है, बी ई और ए डी को बिंदु जी से जोड़ता है, तो ए जी और जी डी का अनुपात बताइए। अच्छा पहले तो एक त्रिभुज खींच लेते हैं, अच्छा सा ये खींच लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब कह रहा है ई बिंदु है, इस पर कोई ये रहा है, यहाँ पे मान लेता हूँ ई बिंदु, ठीक है, जो कि ए सी को कितने रेशियो में। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसमें 2 का गुणा दे सकता हूँ, तो आप कहोगे ये 2:6 हो जाएगा, तो यहाँ से लेके इस पूरे का मान कितना होगा? 6 हुआ कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने 2 का गुणा मान कर दिया, तो ए सी बराबर 6 हो जाएगा पूरा ये रहा। अगर सी ई अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 4, तभी तो ये पूरा 6 होगा, ठीक है। अब मैं बी को ई से मिला देता हूँ, इसको मैंने मिला दिया,
अब एडी, ये एडी मध्य बिंदु है बीसी का, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब होता है कि बीडी, ये ना डी, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर, ठीक है। तो यहाँ से डी है और ये जी है। अब मुझे मालूम चल गया ये कितना रेशियो, ये कितने का दिया है, इनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं इसके समांतर से खींच दूँ तो ये मैंने खींच दी ये, और ये जो रेखा खींची है ना किसके समांतर खींची है पता है आपको, मैंने खींच दिए इसके समांतर, ठीक है। जब इसके समांतर खींच दिया है तो ये दोनों कैसे खींचे जाएंगे, ये भी बराबर हो जाएगा, तो ये भी एक हो जाएगा और ये भी एक हो जाएगा। अब त्रिभुज ए डी, इसे एफ मान लो, एफ सिमिलर होगा किसके, त्रिभुज ए जी ई के, तो जब इनका रेशियो जो जिसमें है ना वही इनका रेशियो होगा, तो 4:1 ए जी और जी डी का रेशियो 4:1 आएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जी है ना जी, ठीक है ठीक है, मध्य बिंदु है, ठीक है आगे चले। अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे जैसे कह रहा है वैसे ही लिखते जाएंगे पहले तो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी डी एक त्रिभुज है, ठीक है, कोण ए कितनी डिग्री का है, 52 डिग्री का। ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है, जैसा बी ओ और सी ओ को बढ़ाने पर, बी ओ और सी ओ को बढ़ाने पर वो कितने ए बी पे ई और एफ पर मिलते हैं, यदि त्रिभुज वो कोण ओ बी सी और ओ सी बी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं तो कोण बी पी सी की माफ नहीं माप होगा ये, ठीक है माप होगी। अब देखो कैसे, पहले तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ एक अच्छा सुंदर सा, ये मैंने त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज थोड़ा सा गलत हो गया, सही कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्या है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी और ओ ये दोनों केंद्र से आ रहे हैं, ठीक है, इनको आगे तक बढ़ा दिया मैंने, ये ए हो गया, ठीक है, और ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब ये हुआ है सी हो गया, ये तो 52 है, ये जो हुआ है ई है, और ये बिंदु कौन सा है एफ है, ठीक, और ये बिंदु है ओ। अब इसके समद्विभाजक किसके, ये ओ बी सी और ओ सी बी के समद्विभाजक आपस में पी पर मिलते हैं, तो इसके समद्विभाजक एक ये ना एक ये कितने पे मिल रहे हैं, पी पे मिल रहे हैं, तो इसको मैं बिंदु पी का नाम दे सकता हूँ, ये बिंदु पी हो गया। अच्छा एक बात बताऊँ, जब ये जो है लंब केंद्र है ये, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा और ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और 90 90 120, तो ये कितने का बचा, तो आप कहोगे ये वाला कोण बचा वो वाला, ये बचा तुम्हारे 128 का, 128, 128 का बचा, तो ये 128 होगा तो नीचे वाला भी कितना होगा, ये भी 128 ही होगा, ठीक है। और ये वाले कोण का माप क्या होगा भाई, ये इसके लंब द्विभाजक है, ये रहा पी बिंदु है जो इसके लंब द्विभाजक नहीं है द्विभाजक है, तो द्विभाजक होगा, तो कोण इसका फॉर्मूला क्या है, बी पी सी इक्वल टू 90 प्लस, और इस वाले कोण में कौन से में, इस वाले में जो ये वाला कोण होगा बी ओ सी का आधा इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना, ये 128/2, तो ये कट जाएगा कितना, 62/64, तो 90 प्लस 64, तो कितना हो गया 154 डिग्री, तो आंसर कौन सा आएगा ये, ऐसे करना, ठीक है।
अब कह रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी सी और डी के माध्यम से एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, कोण ए और डी से का मान लेते हैं बी ए सी। तो थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज ही ऐसी है, लैंग्वेज में फंस गए तो थोड़ा टफ पड़ेगा, वरना क्वेश्चन में भेद नहीं है। ये कह रहा है एक वृत्त हमारा ये ओ है, मतलब इसका व्यास, इसे यहाँ पे मिला दिया, इसे यहाँ मिला दिया, इसे यहाँ, ठीक है ना। अब क्या है, जैसा कह रहा है वैसे करते हुए जाएंगे, ये ए है ये बी है, क्योंकि ए बी इसमें व्यास है, ये कह रहा है वृत्त का व्यास, ठीक है, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब कोण की बात कर रहा किसके, कि ए सी डी, ए सी डी, ए डी सी, ये वाला कोण। अच्छा मैं कह रहा हूँ मैं इसे मिला दो ऐसे, कोई दिक्कत मिलाने में, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये वाला कोण 130 है तो कितना हो जाएगा ये, क्योंकि इन दोनों का समय 180 होता है, ये 50, अर्धवृत्त वाला कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो ये कितना होना चाहिए 40 डिग्री, तभी तो ये त्रिभुज कितने का होगा 180 का, कोण बी ए सी का मान पूछा, बी ए सी इसी कोण का मान पूछ रहा है, तो आंसर कितना आएगा 40 डिग्री। अब इसको करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर करते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले तो एक चित्र बना लेते हैं खूबसूरत सा, ये बना लिया चित्र, क्या बनाएंगे, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है, सी बी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, ए सी वृत्त को जी पर काटती है, ठीक है, यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ए जी की माप 8 सेंटीमीटर, तो बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे, मैंने एक छोटा सा वृत्त बना लिया, ये वृत्त बना लिया। अब मैं कह रहा हूँ ये व्यास है इसका, ठीक है, बी मान लिया मैंने इस पॉइंट को, तो यहाँ पे मैंने एक ये खींच दिया यहाँ तक। अब इनका मैं नाम दे देता हूँ पहले, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गई, और ये कोण 90 डिग्री का हो गया। अच्छा त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 तो ये हो गई, 6 ये हो गई, बी सी मुझे मालूम नहीं तो एक्स हो गई। अब ये बिंदु जी, तो यहाँ से लेके ये वाली दूरी कितनी हो गई 8, ये वाली ए, यानी के मान लो, ठीक है, ये बिंदु के, ये दूरी के हो गई। अब बताओ मुझे कि ये ए बी सी समकोण त्रिभुज का क्या फॉर्मूला है, हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हाइपो के बराबर होता है स्क्वायर के बराबर, तो 12 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा के प्लस 8 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक के हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुणा सी जी, ये फॉर्मूला है, याद नहीं होगा आप लोगों को, याद होगा तो अच्छी बात है। तो कितना हो जाएगा के प्लस 8, एक्स की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो 144, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया कितना, यहाँ पर रख सकता हूँ ना मैं इसको, इसकी जगह प्लेस करके इधर ले आऊँगा तो माइनस का कर दूँगा, या फिर ऐसे कर दूँगा घटा दूँगा, तो के प्लस 8 कॉमन ले लिया, 8 बचा, 8 * 8 = 64, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 10, जब के की वैल्यू 10 आएगी तो यहाँ रख दूंगा के की वैल्यू किस जगह, इस जगह, तो एक्स रूट में, तो 10 और 180, मुझे मान लो 36 36 पंजे 180, मतलब 6 बार निकल गया, एक्स की वैल्यू जो है बी सी का मान कितना आ गया रूट 6 √5, ठीक है। इनका
क्वेश्चनों के लिए बेस भी क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा बेस क्लियर होगा ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये वाला त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज में क्या है, ये कह रहा है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें से विकर्ण ए डी और बी सी एक दूसरे पर ओ पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, समान भागों में बांटते हैं, ठीक है, यदि ए ई और डी एफ बी सी पर क्रमशः ई और एफ पर लंब है तो इनमें से सत्य क्या नहीं है। ये मैंने मान लिया एक समांतर चतुर्भुज है, ये रहा, ठीक है, अब इन दोनों के आपस में काटते हैं पी पे, इस पे मैंने ये लंब डाल दिया, इस पर मैंने ये लंब डाल दिया, ये क्या लंब है, ठीक है, ये मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया और ये डी मान लिया। अच्छा ये क्या हो जाएगा एफ और ये क्या हो जाएगा ई, जैसा कि कहा है ये एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं ए डी सी, ए डी सी ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, और त्रिभुज ए बी डी, ए ए बी डी, ये दोनों कैसे हैं, ये तो देखने से सर्वांग सम लग रहे हैं क्या तुम्हें, ए डी सी और ए बी डी, तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही यही है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकते कभी भी, क्यों नहीं हो सकते, इसके लिए क्या कंडीशन है, सर्वांग सम होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, पहली एस 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 नहीं एस 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 ए ए ए एस, ये दो कंडीशन मान लो, ठीक है, या फिर एस एस ए भी होता है एस एस एस, ये तीन कंडीशन है सर्वांग सम होने की। एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कौन से में, इसमें, ये तो इसके बराबर है क्योंकि ये दोनों वेनिस्ट हैं, मैं ये नहीं कह सकता ये और ये बराबर ही होंगे, चलो ये भी कह दिया ये और ये आपस में बराबर होंगे, पर पक्की नहीं कह सकता कि बराबर ही होंगे, क्यों, क्योंकि भाई जी समांतर है, समांतर ऐसे थोड़ी हो सकते 90-90 डिग्री के हों या फिर 5-5 डिग्री के, क्योंकि ये आगे बढ़ा दूँ और बढ़ा दूँ फिर भी मिला दूँ तो अभी समांतर ही होंगे, ठीक है, इसलिए इन दोनों भुजा को समांतर नहीं कह बराबर नहीं कह सकते, ये तो बराबर है मान लिया मैंने, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं हो सकता, और इसमें इतनी त्रिभुज की सर्वांग समता होने की कह दी है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इनमें एक सत्य नहीं है, तीनों तो सत्य अपने आप ही हो जाएंगे, करने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या करा, इसमें करा त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष ओ केंद्र वाले वृत्त पर निहित हैं, एस आर आर पर एक स्पर्श रेखा है, यदि क्यू आर ओ आर एस कोण ओ आर एस का समद्विभाजक करता है तो आर पी क्यू का माप क्या होगा। अच्छा ये कह रहा है ये जैसे कि एक त्रिभुज है, वो सॉरी सर्किल है, ये मैंने मान ली एक और ये दो और ये तीन, ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये, ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा हो गई, एक ये हो गया, अब मैं इनको मान लेता हूँ जो जो दिया वो, ठीक है, ये मैंने मान ली ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर, क्योंकि मुझे मालूम है इसमें एस आर, ये एस हो गई, ये स्पर्श रेखा है तो ये पूरा कोण, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है पूरा, अब ये कह रहा क्या कि क्यू आर, ये क्यू आर है ना, ये
ओ आर एस को संधि, ओ आर एस इसको संधि विभाजित करता है, तो ये बराबर कोण को बनाएगा, तो ये पूरा कितने का होता है, देखो ये त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा का पर लंब है, तो ये 90 का हो गया, अगर इसको संधि विभाजित करता है ये 45 का हो गया, तो ये भी 45 का। पूछ रहा आर पी क्यू, आर पी क्यू नहीं सॉरी, हाँ आर पी क्यू तो पूछ ही रहा है, फिर तो ये इजी हो जाएगा। कैसे, ये मैंने इसे मिला दिया सपोज कर, जब ये 45 का तो ये भी 45 का होना चाहिए, 45 45 कितना हो गया 90, तो ये कितने का बचेगा 90 का। ये कोण परिधि का केंद्र का कोण, परिधि का कोण केंद्र से आधा होता है, तो ये भी कितने का होगा 45, तो इसमें ऑप्शन में नंबर ए में 45 बोलिए। ठीक, आगे आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा पेचीदा नहीं है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये कह रहा है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ए सी बी ओ, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें सी लघु चाप पर एक बिंदु है, तो ए ओ बी का माप क्या हो, मान के चलो ये एक वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र मान ली मैंने यहाँ पे ही है ओ है, ठीक, इसको मैंने इससे मिलाया, इसको मैंने इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे देता हूँ मैं ओ, इसका नाम दे ए, इसका नाम देता हूँ सी बी, सी ए सी बी ओ, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अच्छा अगर मैं इसे थीटा मानता हूँ, ठीक है, ये थीटा है, तो ये भी समांतर चतुर्भुज की ये क्वालिटी होती है, आमने सामने कोण कैसे होते हैं बराबर, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ इसको मैं इससे मिला दूँ और इसको मैं इससे मिला दूँ, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया, तो जब ये कोण थीटा है तो ये कितना हो जाएगा इसका आधा, ये थीटा कोण टू, और ये मैंने एफ मान लिया, अब मुझे मालूम कोण एफ और प्लस कोण सी बराबर 180 के होंगे, तो ये कितना हो गया थीटा बाई टू, ये थीटा 180, तो कितना हो गया तीन, कितनी बार 6 60 बार, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा 60 60 हाँ सही है, नहीं, 120 हो जाएगा, नहीं 60 दो का गुणा भी तो देंगे, तो 120 हो गया, रफ करके दोबारा करता हूँ, ठीक, तो ये हो जाएगा 120, तो ये कितना हो जाएगा हमारा कोण 120, आंसर में ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला करते हैं, अगले क्वेश्चन में जैसे कहता वैसे करेंगे हम, ठीक है, ये कह रहा है पी क्यू एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र ओ है, आर ओ एस एक रेखाखंड है जो वृत्त पर एक बिंदु आर से शुरू होती है, जो एस को एस पर पी क्यू को प्रतिच्छेद करती है या मिलती है, ताकि क्यू एस इक्वल टू ओ आर, यदि क्यू आर एस 30 डिग्री है तो पी ओ आर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। पहले तो मैंने मान लिया ये एक त्रिभुज वो है, क्या है वृत्त, मैंने यहाँ से ये खींच दिया, इसका केंद्र ये रहा, तो यहाँ मैंने एक ये मान लिया, ये क्या हमारा पी क्यू, ये पी है ये क्यू है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो एस पर मिलेगा, ये आर ओ एस एक रेखा खंड बोल रहा है ना इसमें, तो वैसे ही कर देंगे। अब कह रहा है क्या कि क्यू एस क्यू ये वाला एस इक्वल टू ओ आर, ये आपस में बराबर है, ठीक है, क्यू एस आर कोण क्यू ये रहा एस आर, ये 30 डिग्री है, अच्छा मैं इसको मिला लेता हूँ, ये भी तो त्रिज्या होगी,
ये भी त्रिज्या हो गई। ठीक है, एक बात बताओ, ये इसके बराबर है क्या? ये और ये और ये आपस में बराबर नहीं हो जाएंगी क्या? ये भी बराबर नहीं होंगी, तीनों चार आपस में बराबर। अब जब क्यू एस आर इक्वल टू, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब पी ओ आर की वैल्यू पूछ रहा है, पी ओ आर ये वाली, ठीक है ये वाली। एक बात तो ये तो हो गया, ये तो ये वाला कौन कितने का हुआ? ये वाला। तो आप कहोगे इन दोनों का सम एक्सटीरियर है, ये 60 का हो जाएगा, तो ये भी 60 का होगा। जब ये 60 का होगा तो ये भी 60 का होगा, ये 90, तो बचा कितना है? 180 में 90, क्योंकि एक बिंदु पर बने हुए सभी कोणों का सम 180 होता है, इसलिए ये भी 180 का हो गया। ठीक, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण कर लेना है, जिसके विकर्ण एक दूसरे को पी पर काटते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी और डी बी सी, डी बी सी कोण डी बी सी बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ए सी 30 डिग्री है, तो पी सी डी की माप है। अच्छा ये रहा, ये मैंने एक व्रत मान लिया। अब देखो क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है ए बी सी डी। ठीक है, अब ये इसके विकर्ण एक दूसरे को पी पे काटते हैं। अब कह रहा है देखो, ए बी और बी सी आपस में बराबर है, ये दोनों कोण कैसे हैं आपस में बराबर है। ठीक, अब डी बी सी, डी बी सी ये वाला कोण 70 है। ठीक है सर, बी ए सी, बी ए सी ये वाला 30 है, तो ये भी 30 होगा क्योंकि बराबर भुजा बराबर कोण बनाती है। अब कोण ए बी सी 180 होना चाहिए, जो 100 हो गया, ये कितने हो गए? 30, तो ये बचा कुचा कितने हो गए? 50, तभी तो 100 होगा। अब एक बात बताओ, ये वाली आर्क, ये वाली आर्क दिख रही है, ये वाली, इस वाली आर्क से ये कितने का बनना? 50 का, तो ये कितने का बनना चाहिए? 50 का, तो ये कोण भी कितने का होगा? 50 का। तो कोण ए बी डी इक्वल टू होगा कोण ए सी डी बराबर कोण पी सी डी बराबर कितने के? 50 के। ये हो गया। ठीक है, आगे करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ज़्यादा तो नहीं पर अच्छा कह सकते हैं, क्वेश्चन इजी है थोड़ा सा। देखो त्रिभुज ए बी सी में सी 90 डिग्री है और सी डी भुजा ए बी पर लंब है। अच्छा कह रहा, तो पहले तो वैसे तो हम बना लेते हैं, इस पर इसको लंबा डाल देता हूँ ए। ठीक है, ये हो गया सी है, ये ओ ए हो गया और ये बी हो गया। अब इसमें कह रहा है ए डी और बी सी। अच्छा ये सी डी क्या लंब है इस पे? ये लंब है इस पे, ठीक है, मतलब 90 डिग्री है। अब मुझे इसका तो पता नहीं, अब पूछ किसके बारे में रहा है? ए सी और बी सी का, मतलब ए सी इन दोनों का परपेंडिकुलर। एक बात बताओ, मुझे मालूम है ए डी, ए डी बराबर कितने दिए? ए डी ये तो के दे दिए। अच्छा जी, ये कितना? ये 1 मान लो। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि अगर मुझे ये वाली भुजा निकालनी है, ये वाली ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक हाइपो, अगर लंब हो तभी ये लगाना। ठीक है, ए डी या डी ए। ठीक है, तो मतलब ए सी का स्क्वायर एल टू यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर ये गुणा ये, तो कितना है? के रूट में
और वन प्लस के रूट क्या, ठीक है। ऐसी बी सी की वैल्यू निकालनी हो, किसकी, बी सी की, तो वही फिर दोबारा से वन इंटू के प्लस वन, इन दोनों को मैंने दे दिया डिवाइड, तो कितना हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट के। तो ए सी रेशियो बी सी, या ऐसे कर लो ऑब्लिक बी सी, अब कितनी हो जाएगी पावर फोर्थ, मतलब फोर, वन बाई फोर बराबर, मतलब के की पावर वन बाई फोर, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन, ये भी ठीक ठाक ही है क्वेश्चन, ज़्यादा अच्छा तो नहीं पर ठीक ठाक तो कह ही सकते हैं। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जीरा, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया एक, इसको मान लेता हूँ मैं ए, इसको बी, इसको सी। अब कह रहा है बी सी यानी लंब केंद्र है आपस में, अब समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र और सब चीज सेम ही होती है, ए डी लंब है बी सी पर, अच्छा ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब बी ई लंब है, ये इस पर लंब है, ठीक है, और सी एफ किस पे हो गया, ए बी पे, सी एफ, ये इस पे हो गया, तो नाम दे देते हैं किसका, ये ई, ये डी, ये एफ, नाम दे दिए। अब एक काम कर लो, इनमें से कौन सा सही है। अच्छा एक चीज़ तो मालूम चली, ये रिलेशन जो पूछ रहा है, ए सी क्या भुजा, ए सी क्या भुजा, ए बी क्या भुजा और ये भी भुजा है, और ए डी क्या है, हाइट, जो परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे हाइट ही बनेगी, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है और ये भी हाइट है, मतलब हाइट और साइड, हाइट और साइड, तो हाइट साइड हाइट साइड हाइट, इनके बीच रिलेशन पूछ रहा है। और जब ये कोई समबाहु त्रिभुज हो तो उसमें हाइट का और साइड का जो रेशियो होता कितना है, होता है ए और एच का, हाइट का और साइड का रेशियो होता है टू रूट थ्री। अब इसे अपॉन एच में लिख सकता हूँ, तो टू अपॉन थ्री रूट में हो जाएगा, स्क्वायर में करूँ तो चार तीन, अब देखो चार तीन का रेशियो किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है चार तीन, और किसी में तो नहीं आ रहा, पहले तो आंसर ये हो चुका है हमारा, ठीक है। अब देखो इसका गुणा इसमें, तो थ्री ए का स्क्वायर बराबर फोर एच का स्क्वायर, ए सी बुझाए तो यहाँ पे ये भी बुझाए, यहाँ हाइट है, तो थ्री ए सी का स्क्वायर फोर वी ई का स्क्वायर, तो आंसर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर डी, ठीक आगे नहीं आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ऐसे कह सकते हो। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो कहता वही करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में सी 90 डिग्री है, एम और एन क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर मध्य बिंदु हैं, स्थित मध्य बिंदु है, सी एम और वी एन एक दूसरे को डी पर काटते हैं, तो कोण बी डी सी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो कोण भुजा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो बी एन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो मैंने ये मान लिया एक येरा, ठीक है, ये सी मान लिया, ये बी मान लिया और ये क्या मान लिया ए, अच्छा यहाँ से इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा, ठीक है। अब मध्य बिंदु मैंने माने हैं कौन से,
ये एम हो गया, जैसे ये दे रखा है ये एन। अच्छा एक बात बताओ, मुझे पता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, ये क्या है? आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे ये सी एम, क्योंकि इसका मध्य बिंदु है, तो ये मध्य बिंदु हो गया, तो एम क्या हो गया? ये हो गया परिकेंद्र। और परिकेंद्र क्या होता है? तीनों भुजाओं से समान दूरी पर, तो ये और ये आपस में कैसे समान दूरी पर हो गए? पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर मैं त्रिभुज इसकी बात करूँ, कौन से की, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उस त्रिभुज को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले की, इस वाले त्रिभुज की बात करता हूँ मैं, तो आपको मालूम है मध्य बिंदु है, तो ये क्या होगा? ये 90 डिग्री पर तो है, माना कि 90 डिग्री पर तो है, लेकिन ये क्या है? ये बिंदु जी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी मध्य बिंदुओं पर जब माध्यिका खींची जाती हैं, तो उनके कटान बिंदु को गुरु केंद्र कहते हैं। तो केंद्र क्या होता है? ये 2a और a, इसको रेशियो को, मतलब इस वाली भुजा को केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, जो 2 और a, तो 2:a हो गई। अच्छा मुझे दे रखी है ये BC 8, तो मैं कह सकता हूँ कि BC का स्क्वायर इससे पहले लगाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? BN × GV, इसकी वैल्यू क्या है? 8 × 2 = 64। चौंसठ BN की वैल्यू कितनी है? BN 3 है, और GV यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 6A, नहीं 6 नहीं, 2 2A, तो ये 6 हो गया। ये मतलब हमारा हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/√6 हो गई कि नहीं हो गई? हमसे पूछ किसके बारे में रहा? मुझे मतलब ए की वैल्यू निकल गया इसकी, और BN की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 3A की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 से 8 = 24√6, ऊपर नीचे दोनों को सेम से गुणा कर देता हूँ मैं, तो 6 6 = 24 √6, ये किसकी वैल्यू निकली? 3A, और 3A किसके बराबर है? BN की, तो BN बराबर 4√6, आंसर नंबर ए। ठीक है, आगे कुछ नहीं है, एंड हो चुका है, इस वाले PDF का एंड हो चुका है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय, सी यू, टेक केयर।